आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका इंडियन टीवी न्यूज पर, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है जुनैद। घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र। माँ के सामने बेटी के अपहरण की कोशिश, बच्चे ने विरोध कर शोर मचाया तो आरोपी पकड़ा, फिर उसे पीटा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना कल शाम 8 बजे द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर की है। ये रहने वाली 10 वर्ष की नाबालिग बालिका अपनी माँ के साथ गेहूं पिसाने आटा चक्की पर जा रही थी, तभी रास्ते में चंदन नगर इलाके के झाड़ू वाली गली में रहने वाला मोहसिन शेख ने नाबालिग का जबरन अपहरण का प्रयास किया। आरोपी जबरन अपने साथ ले जाना चाह रहा था, इसके बाद नाबालिग ने इसका विरोध किया। नाबालिग का शोर सुनकर आटा चक्की संचालक मोहित गराड़े और रहवासी वीरेंद्र त्रिपाठी व अन्य लोगों ने देखा, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो उसे दबोच लिया गया और फिर पीट कर थाने लाया गया। आरोपी का वर्ग विशेष से जुड़ा होने से हिंदूवादी संगठन के कई कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में द्वारकापुरी थाने पहुंचे। इधर पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को अंदर बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसपी पहचान चौबे, ओसी एसपीडी एस पर या थाने पहुंचे और मामले को शांत किया। द्वारकापुरी पुलिस द्वारा युवक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश इंदौर इंडियन टीवी न्यूज़। ये संबंधित थाना है और द्वारकापुरी की घटना है, मैं जानकारी लेना चाहूँगा और भाई पूछना चाहूँगा क्या मामला है पूरा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सोनी है, हिंदू जागरण मंच में विधि प्रमुख ऐसा दायित्व है और एक एडवोकेट हूँ। आज हमको एक जानकारी मिली कि द्वारकापुरी क्षेत्र में एक बालिका अपनी माँ के साथ गेहूँ पिसाने आई थी। गेहूँ पिसाने के दरमियान कुछ लोगों ने उसका पीछा किया, उसमें से जब गेहूँ पिसा के जा रही थी तो वापसी में एक आदमी जिसका तथाकथित नाम मोहसिन शेख कहा जा रहा है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका वास्तविक नाम सामने आएगा, उसने उस लड़की का अपहरण करने की कोशिश करी, उसको उठा के ले जाने की कोशिश करी। सर कितने जने थे उसके साथ और क्या क्या मिला? जब वो लड़की का पीछा किया गया तब 2 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन जब घटना हुई तब वो व्यक्ति अकेला उस लड़की को उठा के ले जाना चाह रहा था। लड़की की आयु लगभग 10-11 वर्ष के आसपास है और लड़की की मां ने जब चिल्ला चोट किया तो आसपास रहने वाले रहवासियों ने उसको घटनास्थल पर ही पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। किस जगह घटना है सर ये? ये द्वारकापुरी आटा चक्की के पास की, ज्ञान सागर स्कूल। आपका शुभ नाम सर? भूपेंद्र सोनी एडवोकेट। प्रवीण यादव पुलिस पवन। ठीक है सर, और आपका प्रशासन ने किस टाइप से मदद करी है? प्रशासन ने सभी हिंदू भाई हमारे जो कार्यकर्ता है वो सब उपस्थित हो गए थे अधिकतम संख्या में, प्रशासन ने मदद की है इस बार और प्रशासन ने जो वास्तविक घटना थी उसका इन्वेस्टिगेशन किया, आसपास के लोगों से पूछताछ करी। प्रशासन का रवैया इस बार अच्छा था, सभी लोगों का सहयोग रहा है, हिंदू जागरण मंच है उसमें विशेष भूमिका में साफ नजर आया है। धन्यवाद। इसी तरह की हर छोटी बड़ी और अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए और सदैव अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी इंडियन टीवी न्यूज के साथ और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।